हाय गाइस, लेट अस डिस्कस अबाउट बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के लिए हमें एक एग्जांपल देना होगा। सपोज कीजिए आप एक फार्मा कंपनी के, एक ड्रग बनाने वाली कंपनी आपके पास, तो सपोज कीजिए एक मेडिसिन है लाइक डोलो, उसके जैसी आपको ड्रग, आपने एक ड्रग रेडी की है जो ज़्यादा एफिकेशियस होनी चाहिए, जो थोड़ी उससे अच्छी होनी चाहिए जो पहले से मार्केट में है, तो आप जाएंगे ऑथराइज पर्सन के पास अप्रूवल के लिए, तो वो बोलेगा कि आपकी दवाई, आपकी जो ड्रग है वो अप टू द मार्क नहीं है, और अगर है तो उसे प्रूव कीजिए। उसने बोला है आपकी जो ड्रग है वो अप टू द मार्क नहीं है, इसका मतलब क्या लगा दिया उसने, नल हाइपोथेसिस, आपकी दवाई वेस्ट। अब वो बोलता है अगर आपने इसे अच्छी प्रूव कर दी तो ये जो आपको अप्रूवल दे देंगे और हमारी थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी। ये जो उसने पहले बोला था कि आपकी थ्योरी गलत है, ये नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये थ्योरी जो आपने बोली है ये गलत है, तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी एंड आपकी ड्रग मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, ये होता है नल हाइपोथेसिस। इसमें एरर हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी ड्रग जो है बहुत अच्छी ड्रग है, ठीक है, और आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं 4x4 के टेबल पर। सपोज कीजिए आपने जो ड्रग लेकर आए थे उसके पास, वो जब उस पर स्टडीज की गई तो पता लगा कि नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, मतलब कि आपकी ड्रग खराब थी, बट आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके, कुछ भी आपने किसी को पैसा खिला के या गलत स्टडीज दिखा के आपने उसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो वो ड्रग मार्केट में आएगी। बट ये क्या है, ख़राब ड्रग मार्केट में आना तो एक डेंजरस एरर हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर, और इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा एरर, और इसे हम बोलते हैं अल्फा एरर। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सपोज कीजिए ये नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स थी, मतलब आपकी ड्रग बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, मतलब वो मार्केट में नहीं आएगी ड्रग, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया आपने कि आपकी दवाई ख़राब है, और नल हाइपोथेसिस तो झूठी थी, आपकी ड्रग रियलिटी में बहुत अच्छी थी, तो ये एक ऐसा एरर हुआ जिसमें आपकी जो अच्छी ड्रग थी मार्केट में वो मार्केट में आई नहीं पाई, लोग डिप्राइव्ड हो गए ऑफ दीज गुड ड्रग्स। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टाइप 2 एरर, एंड दिस इज बीटा एरर। बीटा एरर इतना डेंजरस एरर नहीं है, बस डिप्राइवेशन हुआ, बट यहाँ पे डेंजरस एरर इसे कहा जाता है क्योंकि ख़राब ड्रग मार्केट में आ रही है। दूसरा, सपोज कीजिए नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, मतलब आपकी ड्रग खराब थी, आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली, तो एक करेक्ट डिसीजन हुआ। दूसरा, नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, मतलब आपकी ड्रग अच्छी थी और आपने जो है रिजेक्ट कर दी नल हाइपोथेसिस, तो ये करेक्ट डिसीजन था। ठीक है, ये आपको टेबल समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आप इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। स्टडी फाइंड्स नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बट ट्रूली रियलिटी में एग्जिस्ट डिफरेंस, मतलब इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो ड्रग हैं, एक ओल्ड वाली जिसकी हम बात कर रहे थे और जो पहले से मार्केट में थी लाइक डोलो, एक दूसरी जो अभी हम अप्रूव करवाना चाह रहे हैं जो उससे एफिकेशियस होनी चाहिए, तो वो ट्रूली एग्जिस्ट अ डिफरेंस। एग्जिस्ट अ डिफरेंस का मतलब हुआ कि रियलिटी में एक अच्छी ड्रग है बट जब स्टडीज की गई और जो अप्रूवल है वो नहीं मिल पाया, उसमें ये गलत है, गलत स्टडीज की गई, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए वो लोग, तो उसमें ये ख़राब बता दी गई, यानी कि एक अच्छी ड्रग मार्केट में नहीं आ पाई, एक अच्छी ड्रग को नल हाइपोथेसिस, एक अच्छी ड्रग होने के बाद भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि कौन सा केस हुआ, एक अच्छी ड्रग होने के बाद भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसका मतलब ये कौन सा एरर हुआ, दिस इज बीटा एरर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। स्टडी फाइंड्स सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, मतलब स्टडी करते हुए तो एसोसिएशन मिला, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया, बट ट्रूली रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब वो खराब ड्रग थी। अब ये आप एरर बताएंगे कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।